see, I think classical performances are those performances which are very, very difficult to learn. At the same time, it's very difficult to perform. बाकी कोई भी आप free dancing या फिर कोई Bollywood, you can do it very easily. But when it comes to classical dancing, it is very, very difficult. Very difficult. तो आज Jia ने, because Jia is very close to me, so I've come here for Jia. And Jia, I love Jia. तो Jia यहाँ पर आई है, आज वो मंच प्रवेश कर रही है. और मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है दैट यू रीच टू दैट लेवल एंड यू कम हियर और आप सबके सामने एक्चुअली ऐसे परफॉर्म करो. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं ऐसे कभी कभी किसी के मंच प्रवेश पर कभी गई नहीं हूँ. आई ओनली हर्ड अबाउट इट. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना ये कोर्स पूरा किया था डांसिंग में, दे हैव डन इट, बट मैं जा नहीं पाई. हियर आई एम एक्साइटेड टू कम. आई एम सीइंग हर परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड शी इज़ रियली टू गुड एंड वेरी 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 ग्रेसफुल. मुझे डांसिंग में ही इंटरेस्ट है. जब मैं छोटी थी आई वॉन्टेड टू लर्न कथक. जिया ने ओडिसी किया हुआ है. कथक सीखना चाहती थी बट मेरी माँ को लगा कि अगर मैं डांसिंग में घुस जाऊँगी तो आई नेवर स्टडी. तो उन्होंने कभी मुझे डाला नहीं डांसिंग में. सो बट मैं अपनी बेटी को लेकर आने वाली हूँ यहाँ पर और मेरी बेटी देखेगी. आई होप वो थोड़ी मोटिवेट हो एंड वो मुझे कहेगी प्लीज़ पुट मी इन सब क्लासिकल डांसिंग. सी आई थिंक इन बॉलीवुड स्पेशली इफ यू नो लिटिल क्लासिकल यू नो लिटिल क्लासिकल डांसिंग आप कोई भी फॉर्म ऑफ डांसिंग कर सकते हो. आई थिंक फॉर मी विद जिया आई हैव सीन हर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हर डूइंग क्लासिकल डांसिंग. इससे पहले आई हैव सीन सो मेनी परफॉर्मेंसेज, आई मीन जियाज परफॉर्मेंसेज. उन्होंने मैंने जिया को वेस्टर्न करते देखा, हिप हॉप करते देखा, मैंने उसे अलग अलग फॉर्म ऑफ डांसिंग करते देखा एंड शी वॉज गुड इन एवरी फॉर्म ऑफ डांसिंग. तो उससे मुझे पता चल रहा है कि इफ़ यू लर्न क्लासिकल यू विल बी एबल टू डू एवरी फॉर्म ऑफ डांसिंग. बहुत नर्वसनेस है, बहुत एक्साइटमेंट भी है बिकॉज अभी 3 महीने के लिए बहुत प्रिपरेशन किया है मैंने. इट्स बहुत मुश्किल रहा है स्कूल के साथ पढ़ाई भी करना और फिर डांस भी करना रोज़. अभी फॉर 2 वीक्स मैं स्कूल नहीं गई हूँ. सो रोज़ सुबह से शाम तक सिर्फ डांस 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 होता गया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप इट टर्न्स आउट वेल. मेरी मम्मी की वजह से और मम्मी आंटी की वजह से जब मैं छोटी थी मैं बॉलीवुड डांस करती थी. लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया और बोला कि डू अ क्लासिकल डांस, उसका आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. सो आई वाज, तो मुझे बिगनिंग में ज़्यादा पसंद नहीं आया बट स्लोली स्लोली धीरे धीरे से आई स्टार्टेड लाइकिंग एंड स्टार्ट एन्जॉइंग इट. एंड और लगता है कि अभी आई नीड टू डू दिस ऑल द टाइम, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी डांस के बिना. देखते नहीं हैं लोग लेकिन आज लोग लगता है कि आज लोगों को ज़्यादा क्लासिकल समझ में नहीं आता है डांस. जैसे अगर मैं कोई मुद्रा करूँ तो उन्हें समझ नहीं आता कि उसके उस मुद्रा का मतलब क्या है बिकॉज सब लोग अभी हिप हॉप करते हैं या कंटेम्प्रेरी या सब करते हैं. लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्लासिकल बेस होता है जहाँ से सारे दूसरे डांस आए हैं. तो एक बार जब ये मैं क्लासिकल कर लूँ तो मैं जानती हूँ कि थोड़े साल में मैं कोई भी डांस कर पाऊँगी.